हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए है जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत लेंथी है। इसमें एक टॉपिक आता है मीडियन, इसको कवर करेगा। तो देखिए यहाँ पर मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये होता क्या है इसको समझते हैं एक लाइन के प्रोसेस से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एक लाइन, ये लाइन मैंने 100 ली है, यानी कि कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी डेटा अगर 100 है तो उसमें मीडियन क्या है, मीडियन है उसकी मिड वैल्यू, इसका मतलब 50, इसको हम 50 से कंसीडर करेंगे क्योंकि 100 का मिड वैल्यू 50 होता है। अगर आपको यहीं पर ये लाइन दे रखी है, 100 से कंसीडर करता हूँ अगर मैं, और वो क्वार्टाइल है, तो क्वार्टाइल के केस में पहली क्वार्टाइल होगी उसे 25 बोलेंगे, सेकंड क्वार्टाइल 50 बोला जाएगा, और थर्ड क्वार्टाइल जो है वो 75 बोला जाएगा। यानी लोअर क्वार्टाइल इज Q1, मिडिल क्वार्टाइल, इसे मीडियन भी बोलते हैं, Q2, और अपर क्वार्टाइल इज इक्वल टू Q3। इसी तरीके से अगर हम देखें डेसाइल क्या होता है, तो वही 100 की लाइन को मैंने 10 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। तो फर्स्ट पार्ट होगा आपके पास 10, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल D1, फिर उसके बाद 20 एंड देन 30 एंड सो ऑन 50। 50 यानी कि मीडियन, यानी कि सेकंड क्वार्टाइल, ये तीनों इक्वल होंगे, वैल्यूज भी इनकी इक्वल आएगी। और अपर डिसाइल कितना होगा यहाँ पर, 9, D9। तो आपके पास फर्स्ट डिसाइल, सेकंड डिसाइल, थर्ड डिसाइल एंड द अपर डिसाइल इज इक्वल टू दे रखा है आपको D9। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो इसमें परसेंटाइल है, परसेंटाइल भी वही 100 वाली लाइन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो दैट्स वाई ये हो गया फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल एंड सो ऑन टू 50 परसेंटाइल। 50 परसेंटाइल इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू M, यानी मीडियन। और अपर परसेंटाइल कितनी होती है, P99। तो ये आपको पता लगा कि क्या होता है एक्चुअली मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। अब चलते हैं हम एक एक करके तीन सीरीज को हम स्टडी करते हैं, इन चारों वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसके पास, ये है आपके पास इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। आपको पता होना चाहिए देर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे निकलता है, तो मैंने एक क्वेश्चन का इसमें रेफरेंस लिया है, वो क्वेश्चन है जिसमें सीरियल नंबर दे रखा है और मार्क्स दे रखे हैं। याद रखना सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर है ये कोई सीरीज का हिस्सा नहीं होता, तो मार्क्स को हम देखेंगे और मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी कि जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया है 2, 3, 6 एंड सो ऑन टू दिस। तो यहाँ पर आपको समझना होगा मीडियन क्या होता है। तो मीडियन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा मीडियन इज इक्वल टू मिड वैल्यू। मीडियन मिड वैल्यू को कहा जाता है अगर नंबर ओड है, तो ओड में तो आपको मिड वैल्यू दिख जाएगी। अगर नंबर इवन है, इवन, तो इवन के केस में आपको एवरेज ऑफ मिड वैल्यू लेनी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर नंबर ओड है, 15 नंबर्स हैं, तो 15 नंबर्स में अगर आप मीडियन देखोगे तो मीडियन कैसे निकल के आएगा, मीडियन बीच की वैल्यू निकल के आएगी, जो कि फिलहाल है ये बीच की वैल्यू है 8 बीच की वैल्यू आती है, उसमें x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 इज द मीडियन। अगर यहाँ पर इवन नंबर होता तो बीच की दो संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, एवरेज निकाल देते। नेक्स्ट मूव ऑन द क्वार्टाइल, क्वार्टाइल इसी क्वेश्चन में क्वार्टाइल कैसे निकलेगा, तो क्वार्टाइल के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, QR इज इक्वल टू R ब्रैकेट ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपको दे रखी है 15, तो आप लिखेंगे 15, ये रहा 15 प्लस 1 अपॉन 4, और 3 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पर Q3 निकाला, मैंने यहाँ पर क्या निकाला है Q3। अगर आपसे Q1 पूछता तो इस जगह पर आप Q1 लिखते, अगर 2 पूछता तो Q2 लिखते। यहाँ पर फिलहाल आपको 15 प्लस 1 अपॉन 4 सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा 12th टर्म। आप गिनेंगे, काउंट करेंगे तो 12th टर्म आपको मिल रही है ये, यानी कि 14 इज द राइट आंसर। लेकिन अगर मैं डेसाइल की बात करता हूँ तो डेसाइल में कहाँ से कहाँ तक निकाल सकता हूँ, डेसाइल का फॉर्मूला तो वही हो गया जो कि क्वार्टाइल का फॉर्मूला है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि क्वार्टाइल में अपॉन में 4 लिखते हैं और डेसाइल में अपॉन में 10 लिखा जाता है। लेकिन डेसाइल जो है 1 से लेकर 9 तक कुछ भी पूछ सकता है, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल 7 ले लिया, तो 7 डेसाइल कैसे निकला, आर की जगह पर 7 आ गया, देन एन की जगह पर वैल्यू आ गई एंड देन सॉल्व किया तो आया 11.2 टर्म, 11.2। पिछले वाले की बात करें तो 12th टर्म आया था, 12 तो पूरी संख्या होती है, तो इसलिए यहाँ पर 12th पूरी संख्या आ गया था 14, लेकिन 11.2 तो पूरी संख्या नहीं होती। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 11.2 को हम डिवाइड कर देंगे इसको,
हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 11 और फिर 11.2 देखेंगे तो 11 और 12 के बीच में आता है, तो हम क्या करेंगे 12 में से 11 को घटाएंगे। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे ये रहा 11, ये है आपके सामने 11, ठीक है ना, और ये है 0.2 और उसके बाद 12 माइनस 11। ध्यान से समझिएगा, 12 माइनस 11 इसलिए लिखा क्योंकि 11.2 12 और 11 के बीच में आता है, सही है ना। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11th term की बात करते हैं तो कितनी आएगी वैल्यू, ये है 11th term की वैल्यू 13 है। 12 और 11th की बात करेंगे तो कितनी वैल्यू दे रखी है, 12 और 11 की बात करेंगे तो आएगा 13 और 12 14। तो आप इसे सॉल्व करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो फाइनल D7 की आंसर आ गया। इसी तरीके से परसेंटाइल की बात करते हैं तो परसेंटाइल का फॉर्मूला भी बिल्कुल क्वार्टाइल और डेसाइल के फॉर्मूले जैसा है, इसमें बस अपॉन में 100 लिखा होता है। और अगर ये डेसिमल में आता है तो आप इसे किस तरीके से करेंगे, ऐसे, और अगर ये डेसिमल में नहीं आता है तो आप इसे किस तरीके से करेंगे, सीधी वैल्यू निकालेंगे। तो आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है 12.4। नाउ ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज फिनिश होती है। चारों वैल्यूज़ हैं, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। समझने वाला ये एक टॉपिक था कि 11.2 को किस तरीके से लिखा और आंसर निकाला। अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सीरीज़ है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर आपको क्या करना है, इसमें आपको ऑब्वियसली बात है डिस्क्रीट पता लग जाएगी, एक्स और एफ दे रखा है। सबसे पहले सी एफ निकालना है, तो सी एफ कैसे निकाला जाता है, सी एफ निकालने का तरीका, पहले 8 लिखेंगे, 8 लिखने के बाद 8 में 12 को ऐड कर देंगे, पहले 8 लिखा जाएगा, 8 के बाद 12 ऐड होगा, फिर उसके बाद 10 ऐड होगा, इस तरीके से जिगजैग करके ऐड होते चले जाएंगे और सी एफ बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो आपका लास्ट वाला ये वैल्यू आती है 50, यही आपका एन कहलाता है। तो मीडियन की बात चलते हैं, मीडियन में फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा मीडियन का फॉर्मूला, ये है एन प्लस 1 अपॉन में 2। तो एन प्लस 1 अपॉन 2 टर्म कैसे निकाली जाएगी, एन की जगह पर 50 है तो उठा के यहाँ रख देंगे, सॉल्व करेंगे आएगा 25.5। तो ये आया है आपका 25.5। सी एफ में देखेंगे तो 8 के पास नहीं मिलेगा, 8 से बड़ा है, 20 के पास बिल्कुल नहीं मिलेगा, इससे बड़ा है, तो 30 के पास मिलेगा। यानी कि सी एफ में अगर देखें तो 25.5 इस 30 के पास मिलता है और इस 30 में एक्स की वैल्यू है आपके पास 25, सो दैट्स वाई 25 इज़ द मीडियन। नाउ अगर बात करते हैं हम क्वार्टाइल की, तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला देखिए आपके सामने क्या है, आर एन प्लस 1 अपॉन 4, ये आपका फॉर्मूला है जो पिछले फार्मूले से मैच करता है। आप देखेंगे एक और से तो पिछले फार्मूले में और इस फार्मूले में अंतर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इंडिविजुअल में जो फार्मूला था वही फार्मूला यहाँ पर डिस्क्रीट में भी लगेगा, लेकिन एन की वैल्यू, यहाँ जो एन की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू की जगह पर आपको क्या लिखना है, 50, सॉल्व करेंगे 38.25। अब ये जो सॉल्व होगा बड़ा आसान है, पिछले की तरह नहीं करेंगे, इंडिविजुअल की तरह नहीं है, 38.5 कहाँ मिलेगा, ये 38 से बड़ा है तो सो दैट्स वाई यहाँ पर मिलेगा, ये है आपके सामने 41 के पास मिलेगा 38.25 और इस 41 के सामने संख्या क्या दे रखी है, 45, तो 45 इज़ द करेक्ट क्वार्टाइल। तो मैंने निकाला कौन सा क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल 3 निकाला है, ये देखिए आप क्वार्टाइल 3। ऐसे ही आप क्वार्टाइल 1 भी निकाल सकते हैं और क्वार्टाइल 2 भी निकाल सकते हैं, ये दोनों ही क्वार्टाइल निकालने का बड़ा सिंपल है, ये 3 की जगह पर एक बार 1 आ जाएगा और एक बार 2 आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, डिसाइल के पास चलते हैं, तो डिसाइल में क्या करना है आपको, डिसाइल में आपको फॉर्मूले में 10 लिख देना है अपॉन में, सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ था। अब आपको क्या करना है, एन की वैल्यू रखनी है, आपको आंसर आया 20.4, 20.4 कहाँ मिलेगा, 20 के बाद मिलेगा, तो 20 के बाद मिलेगा तो किस जगह पर आएगा, ये बिलोंग करेगा इस वाली लाइन में, तो ये है आपके पास क्या 25, यहाँ पर 25 इज़ द करेक्ट डिसाइल, ये रहा, ठीक है। उसके बाद आते हैं परसेंटाइल, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इसे खुद करिएगा। बस इसमें क्या आ गया, नीचे 100 आ गया और इसमें क्या था 10 और यहाँ पर क्या था क्वार्टाइल के अंदर 4, सो दैट्स वाई इसका आंसर भी मैंने लिख दिया, आप खुद से सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास कंटिन्यूसली सीरीज। अब कंटिन्यूसली सीरीज को अच्छे से समझना, क्योंकि जिसने मीडियन कर लिया वो सारी चीज़ कर लेगा, फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है। तो आप देखेंगे कंटिन्यूसली सीरीज में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है, सी एफ निकालने का वही पुराना प्रोसेस जो मैंने अभी बताया है आपको। आपको क्या करना है, पहले मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, मीडियन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, एन बाई टूथ टर्म दे रखा है और पिछले फॉर्मूले की बात करें तो मीडियन में क्या दे रखा था, एन प्लस 1 बाई टूथ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में
एन बाई टूथ टर्म, एन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है 40, यानी कि सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर आएगा आंसर 20th टर्म, ये है 20th टर्म। 20th टर्म कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको इस जगह पर, यानी कि 22 में, यानी कि 12 के बाद मिलेगा CF के अंदर। तो आप इसमें क्या क्या वैल्यू देखेंगे, जब हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है, जैसे कि ये वैल्यू दे रखी है आपको ये 22 वाली, तो 22 में देखेंगे आप लोअर लिमिट क्या दे रखा है 10, तो L1 की वैल्यू 10। फिर फ्रिक्वेंसी देखिए क्या दे रखी है आपको, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 10। फिर CF से ऊपर वाली संख्या क्या दे रखी है आपको, ये 12, तो यहाँ पर CF कितना आ गया, 12 आ गया। और H क्या होता है, क्लास इंटरवल, आप गौर से देखेंगे इसमें 10 और 15 में डिफरेंस 5 का है, तो क्लास इंटरवल आ गया 5। नौ, मीडियन का बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है, इसे याद जरूर करिएगा, ये छोटी क्लास में भी आपने जरूर पढ़ा होगा, L1 प्लस एन बाई टू माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। और इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल करेंगे, ऊपर वैल्यूज है, आंसर आ गया 14। जैसे मैंने यहाँ पर मीडियन निकाला है, सेम उसी तरीके से आपको निकालना है, सेम सीरीज में कंटिन्यूसली सीरीज के अंदर क्वार्टाइल। मैंने क्वार्टाइल 3 निकाला है, आप 1 और 2 भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पिछले फॉर्मूले में n बाई 2 था, तो इस बार r n बाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, थर्ड क्वार्टाइल है तो यहाँ पर थर्ड आ जाएगा, फिर n की जगह पर 40 आ जाएगा, आंसर आया 30। 30 कहाँ पर मैच करेगा, 12 के बाद, आप देखेंगे 12 के बाद यहाँ पर मैच कर रहा है 30 इस जगह, सॉरी 12 के बाद नहीं है, ये 22 के बाद है, तो यहाँ पर मैच करेगा यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर L1 की वैल्यू क्या है 15, F की वैल्यू क्या है 8, और फ्रिक्वेंसी CF की वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, और ये 22 है। आप गौर से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, ये मैच करा जाएगा यहाँ पर, और 15, 8 और इससे ऊपर वाली संख्या, यानी कि 22, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर मैच कर जाएगा। तो फार्मूला वही है पुराना, फार्मूले में कुछ भी अंतर नहीं है, आपके सामने L1 है, आपके सामने F है, CF है, H है, बिल्कुल सेम मीडियन है, बस आपको फार्मूला भी वैसे ही लगभग लगाना है। ये रहा क्वार्टाइल 3 का फार्मूला आया, और आंसर आएगा 20। सेम जैसे क्वार्टाइल किया है, ऐसे ही आपको डेसाइल भी करना है। डेसाइल का फार्मूले में अपॉन में क्या आ जाएगा 10, तो इसके बाद 36 टर्म, 36 कहाँ मिलेगा आपको CF के अंदर, 36 मिलेगा आपको ये, सीधा सीधा 36 वैल्यू ही दे रखी है, देखिए, ठीक है। तो 36 वैल्यू दे रखी है, तो इस वाली लाइन में चले जाएंगे, 20 हो गया L1, F की वैल्यू 6 और CF से ऊपर वाली संख्या 30। आपके सामने सारी वैल्यू मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखी है, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट है परसेंटाइल कंटिन्यूसली का। तो कंटिन्यूसली में क्या फॉर्मूला लग गया, ये लग गया R n बाई 100, और सॉल्व किया तो 18 आ गया। 18 कहाँ मिलेगा, 12 के बाद मिलेगा। देन इस वाले कॉलम में चले जाएंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आ गया 10, ये हो गया 10, उसके बाद ऊपर वैल्यू है 12, तो सॉल्व करेंगे, देन इसका आंसर आ जाएगा 30। तो ये परसेंटाइल की वैल्यू आ गई। परसेंटाइल में मैंने एग्जांपल के तौर पर 45 लिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन में पूछेगा उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के पास, ये खत्म हो गया कंप्लीट सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है उसके अंदर ग्राफिकली प्रेजेंटेशन के लिए पूछता है, लेस देन और मोर देन ओजाइव बनाने के लिए पूछता है मीडियन में। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने, आपसे कहता है ड्रॉ द ओजाइव कर्व्स एंड शो द मीडियन ऑन ग्राफ, ऑल्सो चेक योर रिजल्ट। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्लास इंटरवल दे रखा होगा, ऐसे आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें लेस देन और मोर देन ओजाइव बनाना है। किस तरीके से बनाना है, वो सॉल्यूशन ये है, आप देखिए जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको दे रखा है डेली वेजेस, क्या दे रखा है डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स। आप लिखेंगे 10 से कम रुपये कमाने वाले 3 वर्कर्स हैं, तो लिखेंगे 10 के सामने 3। एंड देन आगे बढ़ेंगे तो आगे दे रखा है आपको 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट, कितने वर्कर्स हैं 9, और हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 20 से कम कितने जने कमाते हैं, तो 3 में 9 को जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो सीधा सीधा है, यहाँ पर लिखेंगे 10 से कम कमाने वाले 3, सीधा 3 यहाँ से उठाएंगे, 20 से कम कमाने वाले इसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद 12 हो जाएगा। फिर 30 से कम कमाने वाले यहाँ पर इसे ऐड कर देंगे, और ये हो जाएगा आपके पास, प्लस करेंगे तो 15 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद आप ऐड करेंगे 30, फिर उसके बाद ऐड करेंगे 18, देन 5, और ऐसे ऐड करते करते आपके सामने लेस देन कर्व बन जाएगा। मोर देन की बात करते तो ये वाली संख्या लेंगे, मोर देन में 0, 0 से ज़्यादा कमाने वाले टोटल को जोड़ेंगे, तो टोटल कितना दे रखा है आपको 80, और उसके बाद 10 से ज़्यादा कमाने वाले ऊपर से 3 लेस कर देंगे, फिर 20 से ज़्यादा कमाने वाले ऊपर से 9 लेस कर देंगे, 15, 30, ऐसे करते करते आ जाएंगे यहाँ। तो ये आपके पास बन गया है x का डेटा, ये y का डेटा, और इसको हम ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे वो देखिए। तो ग्राफ हमारे पास ये है, पहली संख्या में यहाँ पर वेजेस लिख दिया, यहाँ नंबर ऑफ़ वर्कर्स। तो आप जब लेस देन वाला कर्व देखते हो, यानी कि ये वाला लेस देन वाला,
तो लेस देन वाला कर्व आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका लेस देन का कर्व है ये, ठीक है, ये लेस देन है, आपको ध्यान से समझना है इसे। और मोर देन की बात करते हैं तो आपके सामने मोर देन ये है, अब देखिए 10 के सामने 80, 10 के सामने 0 के सामने 80, 10 के सामने 77, 20 के सामने 68, तो ये संख्याएं आपके सामने यहाँ आ जाएगा, ये 10 है, ये आपके सामने, ये 0 के सामने, ऐसे ये पॉइंट्स आप मिलाते चले जाइए, अपने आप आपको सारी संख्या मिल जाएगी। और जो भी बीच में संख्या कटती है इसे मीडियन बोला जाता है, ये संख्या मीडियन है। मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला है, ये फार्मूला लगाइए, वही सेम पुराना तरीका जिस तरीके से आपने मीडियन निकालना अभी सीखा, आप निकालिए, आंसर बनाइए, 34.3 आएगा और वो इसके बीच में यहाँ लाई करेगा 30 to 40 के बीच में, ऐसे एरो लगाना है। ऐसे ही जैसे लेस देन मोर देन ओजाइव्स वो पूछ रहा था, देखिए इसमें दो पूछा है आपसे, कहता है ड्रो ओजाइव कर्व्स, कर्व्स का मतलब दोनों लेस देन भी और मोर देन भी, ऐसे कभी कभी वो सिर्फ लेस देन भी पूछ सकता है, तो लेस देन पूछेगा तो आपको क्या करना है, एक दूसरा मेथड हो गया, उसमें आपको क्या करना है लेस देन के लिए, ये फार्मूला है, आपको लेस देन कर्व बनाना है, ये रहा लेस देन कर्व, उसके बाद जहाँ पर भी n बाई टू करके जब सॉल्व करते हैं, जैसे ही n बाई टू करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर, जहाँ पर मैच करेगा उसकी ये संख्या आपकी मीडियन हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, डायरेक्ट लेस देन से निकाला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट फिनिश होता है ये टॉपिक, इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, आप अच्छे से देख लेना एक एक करके क्वेश्चंस, मैंने डिटेल में लिखा है सारा कुछ और ये कंप्लीट टॉपिक कवर होता है। ओके, आई होप कि आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे।